नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं आईएनएन 24। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बुलढाणा में बारिश से तबाही मच गई है। एक दिन की बारिश ने कई घरों को डुबा दिया है। बुलढाणा के बाबनबीर, टुनकी, पंचाला, झांसी, पलसी, संग्रामपुर समेत कई गांव में बारिश से हाहाकार मच गया है। बाबनबीर में केदार नदी में आई बाढ़ के कारण घरों में 3 से 4 फुट पानी भर चुका है। वहीं गांव का संपर्क टूट गया है। इंदिरा गांधी विद्यालय में छात्रों के बैठने के बेंच और खिचड़ी बनाने का पूरा सामान नदी में बह गया है। संग्रामपुर तहसील के बहुतांश गांव में महापुर जैसी स्थिति बन गई है। बाबनबीर गांव के कुरेशी मोहल्ले समेत कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं गौ माता मंदिर में भी मूर्ति लेवल पानी भर चुका है। परेशान लोगों की मदद करने की अपील संबंधित इलाके के लोगों से तहसीलदार टोपे ने की है। बारिश की वजह से किसानों की कपास, सोयाबीन जैसी फसलें पूरी तबाह हो चुकी है। खेतों में समंदर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश के पानी की वजह से पेड़ और बिजली के पोल जमींदोज हो चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है कि एक लारा गांव का मदन धूले नामक व्यक्ति की नदी में बह जाने से मौत हो गई है, जिसकी तलाश गाँव के ग्रामस्थ द्वारा की जा रही है। बावनबीर तालुका संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा येथे 2002 नंतर प्रथमच महापूर सदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। नदीकाठच्या घरातील लोकांना बाहेर सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचं कार्य चालू आहे। नदीकाठच्या घरात पाणी शिरलेलं आहे। इलेक्ट्रिक पोल आणि डीपी वाहून गेलेली आहे आणि संपूर्ण परिसरातील पिके उद्ध्वस्त झालेली आहेत। प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन तातडीनं मदतीची बावनबीर वासियांना आशा आहे।